जीवन को सफलता और विफलता के तराजू से नहीं तोलना चाहिए। जिस दिन हम सफलता विफलता इसी के हिसाब लगाते रहते हैं तो फिर निराशा आ जाती है। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि एक ध्येय लेकर के चलना चाहिए। तो मेरा जीवन ऐसा है जिसको हर कदम विफलताओं का ही सामना करना पड़ा और मैं सफलताओं का हिसाब लगाता नहीं हूं, न सफल होने के मकसद से काम करता हूं। एक लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, अपनी भारत मां की सेवा करना। कभी रुकावट आए, कभी कठिनाइयां आए, कभी दो कदम पीछे जाना पड़े, लेकिन अगर उस ध्येय को सामने रखते हैं तो फिर ये सारी बातें बेकार हो जाती हैं। तो एक तो सफलता और विफलता को जीवन के लक्ष्य को पाने के तराजू के रूप में कभी देखना नहीं चाहिए। लेकिन विफलता से बहुत कुछ सीखना चाहिए। ज्यादातर लोग सफल इसलिए नहीं होते हैं, वो विफलता से कुछ सीखते नहीं। हम विफलताओं से जितना ज्यादा सीख सकते हैं शायद सफलता उतना हमारी शिक्षा नहीं देती। अगर सपने देखने हैं तो बनने के सपने कम देखो, करने के सपने ज्यादा देखो। और एक बार करने के सपने देखोगे तो आपको उसे करने का आनंद और आएगा। विफलताएं आएगी तो भी, रुकावटें आएगी तो भी, आपका लक्ष्य कभी ओजन नहीं है। ज्यादातर लोगों का क्या होता है, अगर आज कोई अच्छी मूवी देख करके आ गए और आप पूछोगे आप क्या चाहते हो तो शाम को कह देगा मैं एक्टर बनना चाहता हूं। आज कहीं वर्ल्ड कप देख करके आया, किसी ने पूछ लिया क्या चाहते हो तो बोले मुझे क्रिकेटर बनना है। युद्ध चल रहा है, सेना के जवान शहीद हो रहे हैं और खबरें आ रही है तो मन करता है नहीं नहीं अब तो बस सेना में जाना है और देश के लिए मर मिटना है। ये जो रोज नए नए विचार करते हैं उनके जीवन में कभी भी सफलता नहीं आती। एक बात पक्की है कि काम की थकान कभी नहीं होती, काम न करने की थकान होती है। एक बार कर देते हैं तो काम का आनंद होता है, संतोष होता है, और इसलिए जितना ज्यादा काम करते हैं उतना ज्यादा आनंद मिलता है, जितना ज्यादा काम करते हैं ज्यादा संतोष होता है। जब अपनों के लिए जीते हैं तो थकान कभी नहीं लगती। कि घटना कोई भी हो, हमारा उसके तरफ देखने का दृष्टिकोण कैसा है उसके आधार पर जीवन की प्रेरणा बनती है। हमारी मन की जो इच्छा है वो स्थिर होनी चाहिए, और जब इच्छा स्थिर हो जाती है तो अपने आप का संकल्प बन जाती है। और एक बार संकल्प बन गया फिर पीछे मुड़ करके देखना नहीं चाहिए। बाधाएं हो, कठिनाइयां हो, तकलीफें हो, हमें लगे रहना है। सफलता आपके कदम चुनती हुई चली आएगी।